हज़रत मुझे वक्त का पूरा ख्याल रहेगा इंशाल्लाह बहुत इख्तसार के साथ एक मतलब और एक शेर हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास देखें सर ज़ुल्म टकराया था एक दिन असगरे बेशीर से बतौर खास पेश कर रहा हूँ मसला ज़ुल्म टकराया था एक दिन असगरे बेशीर से अश्क अब तक बह रहे हैं हुरमुला के तीर से ज़ुल्म टकराया था एक दिन असगरे बेशीर से अश्क अब तक बह रहे हैं हुरमुला के तीर से ओ हैबते आब्बास रहती है जुलूसों में शरी बतौर खास पेश कर रहा हूं कि है बते आब्बास रहती है जुलूसों में शरी इसलिए डरते हैं जालिम मातम है बते आब्बास रहती है जुलूसों में शरीक इसलिए डरते हैं जालिम मातम शबीर से जरा एक मतलब तीन या चार अशआर हासिल कर रहा हूँ बतौर खास देखें मतलब बतौर खास महसूस करें जरा देखें हुर जैसा किसी का भी मुकद्दर नहीं देखा सुखन फैम हजरात तशरीफ रखते हैं नजर कर रहा हूं बतौर खास कि हुर जैसा किसी का भी मुकद्दर नहीं देखा हुर जैसा किसी का भी मुकद्दर नहीं देखा बनते हुए कतरे को समंदर नहीं देखा बनते हुए कतरे को समंदर बनते हुए कतरे को समंदर नहीं देखा उसे जहां जहां तक आवाज आ रही है समाज फरमाए कि जन्नत की तमन्ना में मरे जाते हो दिन रात जन्नत की दिन रात क्या तुमने अज़ा खाना सरवर नहीं देखा क्या तुमने अज़ा खाना जन्नत की तमन्ना में मरे जाते हो दिन रात क्या तुमने अज़ा खाना सरवर नहीं देखा क्या
तुमने अजा खाने, ये विषय देखें बतौर खास पेश कर रहा हूं कि यूसुफ को वही सबसे हसी मान रहे हैं, यूसुफ को वही सबसे हसी मान रहे हैं, जिन लोगों ने हुस्ने अली अकबर नहीं देखा, जिन लोगों ने यूसुफ को वही सबसे हसी मान रहे हैं, जिन लोगों ने हुस्ने अली अकबर नहीं देखा, जिन लोगों ने हुस्ने अली अकबर नहीं देखा। और ये विषय जहां जहां तक आवाज आ रही हो कि वो आले पयंबर के फजाइल से भरा है, वो आले पयंबर के फजाइल से भरा है, कुरान को क्या गौर से पढ़कर नहीं देखा, गौर से पढ़कर नहीं देखा, कुरान को क्या गौर से पढ़कर नहीं देखा। उस सिलसिले का आखिरी शेर बताओ खास देखें कि अकबर तो बड़ी बात है तारीख में अब तक, अकबर तो बड़ी बात है तारीख ने अब तक, बच्चा कोई असगर के बराबर नहीं देखा, बच्चा कोई असगर के बराबर नहीं देखा, बनते हुए कतरे को समंदर नहीं देखा, यूसुफ को वही सबसे हसी मान रहे हैं, जिन लोगों ने हुस्ने अली अकबर नहीं देखा, जिन लोगों ने हुस्ने अली, एक मतलब और तीन या चार से बस इख्तिसार के साथ हाजिर कर रहा हूं, मतलब महसूस कर लीजिएगा इंशाल्लाह बड़ा उठवाएगा। बतौर खास देखें कारनामा जनाब सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब मतलब में देख बार नारा सलवात बुलंद कर तालिबे बेत को जाने क्या नजर आने लगा, महसूस करें मतलब जरा बतौर खास कि तालिबे बेत को जाने क्या नजर आने लगा, तालिबे बेत को जाने क्या नजर आने लगा, करबला जाने क्या नजर आने लगा। शेर देखें हजरात मुलाहिजा फरमाए कैफियत इसकी
कि ज़ैनब सजाद के खुतबों को सुन सुन कर यजीद, ज़ैनब सजाद के खुतबों को सुन सुन कर यजीद अपना सर अपनी ही दीवारों से टकराने लगा। ज़ैनब सजाद के खुतबों को सुन सुन कर यजीद अपना सर अपनी ही दीवारों से टकराने लगा। ये विषय देखे बतौर खास कि ज़ैनब अब्बास की ये तरबियत का था असर, बतौर खास कि ज़ैनब अब्बास की ये तरबियत का था असर, बच्चा बच्चा जंग में हैदर नजर आने लगा, बच्चा बच्चा जंग में हैदर नजर आने लगा। शेर बताओ खास पेश कर रहा हूं कशिश भाई कि जब जमी पर छिड़ गई हुस्ने अली अकबर की बात, देखिए बताओ खास कि जब जमी पर छिड़ गई हुस्ने अली अकबर की बात, आसमां से हुस्ने यूसुफ फूल बरसाने लगा, आसमां से हुस्ने यूसुफ फूल बरसाने लगा। और दो शेर की सहमत और बस कि कर दिया, देखिए मुहावरा मजमुआ है, कर दिया शबीर ने बातिल का किस्सा ही तमाम, कर दिया शबीर ने बातिल का किस्सा ही तमाम, जब वो चादर से ज्यादा पाँव फैलाने लगा, जब वो चादर से ज्यादा पाँव फैलाने लगा। और आखिरी शेर आप सबकी तरफ से पेश कर रहा हूं बताओ खास कि बाग जन्नत के फलों की खुशबुएं थी साथ साथ, बाग जन्नत के फलों की खुशबुएं थी साथ साथ, जब मैं मजलिस का तबर्रुक लेके घर जाने जन्नत के फलों की खुशबुएं थी साथ साथ, जब मैं मजलिस का तबर्रुक लेके घर जाने लगा।